अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई सैरी की तो अपडेट मैं आपको नहीं दे सकी, क्यों? क्योंकि आई वॉज सो लेजी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, बट इस टाइम हो गई है, जोर होने वाली है, और मैंने कहा तब तक थोड़ा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आज एक रेसिपी देखी है, इसका नाम था चिली पोटैटो नूडल्स। ये काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पर फेमस हुई थी, मैंने कहा क्यों ना ट्राई की जाए। तो आलू तो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं मैंने, और अब बस ये बॉयल होने, फिर मैं दिखाती हूँ क्या। चलिए जी, हम ट्राई करने लगे हैं ये रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है टिकटॉक पे, अब की नहीं काफ़ी टाइम की। तो मैंने कहा चलें रमज़ान है, क्यों ना नई डिश ट्राई की जाए, और मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी, मैंने सोचा क्यों ना वेले बैठने से सोचा चलो कुछ ट्राई करें। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें जैसे आपने पोटैटो को बॉयल करना है, मैश करना है, इसको शेप देना है, और इसमें सोया सॉस, चिली और ऑयल डाल के खा जाना है। तो जो मेन चीज़ है ना, वो है इसकी बॉइलिंग प्रोसेस, यानी आपके अगर चीज़ बॉयल अच्छे से होगी तो ये अच्छे से बन जाएगी। मैंने ले लिए हैं दो बड़े बड़े से पोटैटोज, इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। उसने जो है पील करके बॉयल किया था, बट मैंने जो है पील्स के साथ ही कर लिया है इसको बॉयल। अब हमने जो है इनको छिलकों के साथ जाकर बॉयल कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से छील लेना है, और इसके बाद इसे कर लेना है मैश। फटाफट से इसको छील लेते हैं। असल में देखती हूँ रेसिपी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट सेम बने, कोई भी ऊपर नीचे चीज़ मत हो जाए। तो अब मैं इसे करूँगी अच्छे से मैश, साथ साथ में देखनी कि बेसिकली उसने किया क्या। उसने अब इसको कर लेना है मैश। तो इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है, इसके एक भी जो है मोटा नहीं रहना चाहिए पोटैटो, बिल्कुल स्मूथ जो है ये क्रीमी टेक्सचर टाइप सा जो है मैश हो जाना चाहिए। ओके गाइस, इसने कहा है कि अब हमने इसमें डालना है कॉर्न स्टार्च हाफ कप, तो मेरे पास इस टाइम कॉर्नफ्लोर है तो मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लोर दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट दे वर्क फॉर द सेम, पर इसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज होगा होपफुली। ये वैसे मैंने अपनी बहन के कहने पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, अगर ये गड़बड़ हुई तो उनके ज़िम्मे है सब कुछ। खैर, इसको आपने एक कप डाल के अच्छे से इसको जो है वो कर लेना है, मिक्स कर लेना है जैसे आटा गूंथते हैं। और मैंने अच्छा खासा मैश कर दिया, मोबाइल पे, ट्राईपॉड पे, हर जगह चला गया। अब मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप जो हमने काम करना है ना, वो मेन चीज़ है, वो है इसको शेप देना। इस पूरी रेसिपी की मेन चीज़ है इसकी शेप। आपने पहले इसको राउंड बॉल से बनाना है, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करके किसी भी कैप या बॉटल से राउंड बीच में जो है इसको कर देना है, ताकि ये ब्यूटीफुल सी ड्रिंक बन जाए। ठीक है, ये हमारा मेन शेप है जो कि लास्ट तक मेनटेन रहनी चाहिए। होपफुली, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह मेनटेन रहेगी। बट मेरे इस टाइम हैंड फुल मैसी हुए पड़े हैं। नेवर माइंड, अच्छे से जो है शेप्स वगैरह दे लेते हैं। चलें जी, ये हमारे जो है बन चुकी है शेप इसकी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देखते हैं इसका आगे। ये ऑलमोस्ट बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22, और ये जो मेरी उंगली आ गई है ना इसमें, उफ आ आउच, वी वी वी। तो ये देखें, ये मैंने बना लिया है। अब पानी बॉयल करने मैंने रख दिया है, और इसके अलावा जो है आधी रेसिपी मुझे पता चल गई क्या, ये बड़ी फेमस हुई थी कि ना यूट्यूब तो भरा पड़ा, मैंने कहा क्यों ना ट्राई की जाए। वहाँ पे हो रहा है पानी बॉयल, और वहाँ पे पोटैटोज वेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बॉयल होता है ना, तो 2 मिनट के लिए इसमें हम बॉयल करेंगे। चलें जी, अभी हमने बॉयल होने के रख दिया इसको, उसने कहा कि 2 मिनट हमने जो है जस्ट बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो बस इसको मैं अच्छे से बॉइल करके निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या सीन होता है। आ रहे हो?
मंकी वाला है। पाता कैसे कितना मंकी? मंकी देखना है? शीशा देख लो, हिसाब तो वही है, देख लो। मंकी वाला चला गया, बस अब बाहर नहीं जाना, आज अंदर। या मालिक सोने करम कर दे, अल्लाह पाक फजल कर, अल्लाह पाक सलामत रखे, ते अल्लाह पाक लंबी लंबी उम्र। हाँ जी, ये मंकी थोड़ी सी ये डांस बच्चियों को बल्ले बल्ले ये राम शाह देना अकल देना ये कहना मनो भाई जेंटर में ऐसे रहब देना ओके जी, मंकी शो देखने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में दोबारा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो रही है पराठा रोल की। और वो मैंने जो पोटैटो वाले बनाए हैं उनको मैंने बॉयल कर लिया, बस वो ठंडा हो रहे हैं, तो अभी मैं अभी इन्हें छान लूँगी। ये पराठा रोल की जो है वो रोटी बेली जा रही है, ये डो हमने खुद बनाई है। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद जो है ये पराठा रोल की रोटी बन जाएगी और फिर ये पराठा रोल हम खाएंगे। ये पराठा रोल का मटेरियल है, ये चिकन है, इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक मिर्च और जो भी आपका दिल करे वो डाल लें, और इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद जो है जब पराठा बन जाएगा तो उसके ऊपर इसको डाल के मेयोनीज और सब्जियां वगैरह डाल के खा लेना है। इतना इजी नहीं है, बस सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन हम इसको खा लेंगे। अब हम फटाफट से पराठा पका लेते हैं क्योंकि गैस किसी भी वक्त जा सकती है। तो ये पराठा बनने लगा है, इस टाइम 5:30 हो रहे हैं, 5:30 के करीब ये गैस ले जाते हैं। तो जितनी पराठे बनेंगे बन जाएंगे, उसके बाद हम इसको ले जाएंगे मिट्टी वाले चूल्हे पे बाहर। सो ये पराठे यहाँ पे बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं, ये रोज़ नहीं खाने चाहिए क्योंकि मैदे के होते हैं, कभी कभी तो चलता है। तो देखें कितनी खूबसूरत जो है ये पराठा लग रहा है, रोज़ा है, भूख लग रही है इसको देख के, मजाक कर रही, इतना भी कमज़ोर रोज़ा नहीं है। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं ये पोटैटो की तरफ। ये जो है मैंने इसके ऊपर सोया सॉस डाल दिया है, 3 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून चिली पाउडर डालना है, और उसके बाद ऑयल को अच्छा खासा गर्म करके इसके ऊपर डाल देना है। तो वो मैं डालूँगी इफ्तारी से 2 मिनट पहले, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है मिर्चें सेट हो जाएँ। आपने ना कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था अपनी बहन के कहने पे, तो मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि क्या हुआ है कि जब मैंने इनको बॉयल दोबारा करके निकालना था ना, वो रेसिपी ये थी कि आपने 6 दिन के बाद दोबारा इसको 2 मिनट बॉयल करना था, तो मैंने निकाला तो वो कुछ टूट गए, कुछ सोगी हो गए, कॉर्न स्टार्च से मी भी ये टाइट रही। मैं वो भी ट्राई करूँगी, फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई हूँ। खैर टेस्ट में देखेंगे क्या सीन है, क्योंकि चीज़ सेम वही बनेगी, टेस्ट भी वही आएगा, शेप थोड़ी इसकी डिफरेंट हो गई है, लेट्स सी। चलें हम अब पराठा रोल तब तक बना लेते हैं। ये पराठे के ऊपर मेयोनीज लग गई है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद आपने अपनी पसंद का चिकन डाल लेना है, लाइक कितना आपको ज़्यादा पसंद है, थोड़ा पसंद है तो ये टेस्ट के हिसाब से बन रहा है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देनी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप कुछ भी डाल सकते हो, कैरेट भी डाल सकते हो, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, उसके अलावा टोमेटो। टमाटो नहीं डालती मेरी बहन, वरना आई तो लव टोमेटोज। उसके अलावा बड़े प्याज काट के भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपने केचप और मेयोनीज को मिक्स करके डाल के और इसको रैप कर देना, दैट्स इट। वैसे ये दैट्स इट वाला काम ना पूरा दिन ले गया हमारा गैस की वजह से। तो भाई अब रोज़ा खुलने वाला है, बस दस्तरखान मैंने लाइन लगा दी है, आज फटाफट से काम किया है, वीडियोस थोड़ी कम बनाई हैं, रेसिपी की ही वीडियो जो आपको मिली है, तो ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देखिए ये कुछ कुछ शेप्स रह गई हैं। पहले भी हमारे पराठा रोल भी आ गए हैं और हमारी इफ्तारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये हमारे पास वो पोटैटो चिलीज हैं, उसके अलावा पराठा रोल है, पकौड़े हैं, डेट्स हैं, और साथ में बड़े हैं। ये बड़ों की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, सो ये आपने बनानी ज़रूर हैं और खा के भी बताने का वो कैसे लगे। तो बस मैं रोज़ा खुलने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं ट्राई करूँगी ये चिली पोटैटोस, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये इफ्तारी का टाइम हो गया और यहाँ बारिश हो रही है, अभी बस 5 मिनट रह गए हैं इफ्तारी करने में, सो अल्लाह ताला दुआ करें बस। चलें भाई रोज़ा खुल गया, इस टाइम पर टेस्ट, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का ना, स्पाइसी। अब मैं ज़रा इसके ऊपर केचप डाल के खाऊँगी कि केचप के साथ कैसा लग रहा है।
केचप के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। आप यकीन करें ये आपको पोटैटो चिप्स का ही फ्लेवर दे रही है, बट द थिंग इज़ इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वैसे मेरी नई रेसिपी थी, मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप मुझे बताना नहीं कभी ट्राई किया कि नहीं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।